आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी और आपका कंसिस्टेंट स्पीड जो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है, आपकी तैयारी उसी स्पीड से हो रही होगी। परसों द ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ बीपीएससी फाइनली स्पोक टू द मीडिया। और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जब मीडिया से रेगुलर इंटरेक्शन होता है और जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में चर्चा की जाती है कि किस तरह से वर्क प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, तो यह जो स्टूडेंट्स खास करके उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर होती है इस संदर्भ में कि चेयरपर्सन ने आने वाले एग्जाम के संदर्भ में बहुत सारी चीजों का जो डाउट था उसको क्लियर किया है। सो इस चीज का स्वागत होना चाहिए कि अभी जो मौजूदा चेयरपर्सन सर हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसके बारे में उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में इन डेप्थ चर्चा करेंगे कि किस तरह से 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है इसमें बीपीएससी की जो नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हो गई है उसको लाया गया है, किस तरह से यह एग्जाम का शेड्यूल, आपकी तैयारी जो कट ऑफ है वह और जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है वह इसको प्रभावित करेगा। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ चर्चा करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले 3 जेंटल रिमाइंडर्स। फर्स्ट यह कि टीम आईएएस के द्वारा बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स 71st बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स अगस्त 5 से इंग्लिश मीडियम में और अगस्त 12 से हिंदी मीडियम में शुरू होने वाला है। अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। द सेकंड जेंटल रिमाइंडर इज कि 69th बीपीएससी के लिए हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और यह जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा इसमें आपको इंटरव्यू से जुड़े 360 डिग्री जो एनालिसिस होता है वह इसमें होगा। इसमें क्लासेस होंगी प्लस मॉक इंटरव्यू होगा जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, आपके वन ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आएंगे, इसके लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसके बारे में जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप वहां जाकर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के जो अलग अलग आयाम है उसको चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चेयरपर्सन सर ने जब मीडिया से बात की तो एक चीज क्लियर हो गया कि उनके पहले जो ऑनरेबल चेयरपर्सन थे श्री अतुल कुमार जी, और श्री अतुल कुमार जी का वर्क प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट था इन द सेंस कि वह मीडिया फ्रेंडली चेयरपर्सन थे। आपकी जानकारी में विशेष करके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी में, ऐसे कई चेयरपर्सन हुए जिन्होंने मीडिया से कभी बात नहीं की और कोई भी संस्थान खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन अगर मीडिया से बात नहीं करेंगे तब तक उस पीसीएस की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्टूडेंट के प्रति उसका रवैया क्या है, यह हम नहीं जान सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम में, तो चेयरपर्सन सर का मीडिया को एड्रेस करना दैट इज वेरी गुड, इसका स्वागत हम लोग करेंगे। नाउ 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में कैसे ट्रांसपेरेंसी रहे उसके बारे में चेयरपर्सन सर ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी क्रूशियल। आप जानते हैं कि बीपीएससी में पहले जो क्वेश्चन पेपर है वह लीक हो चुके हैं, इस साल भी टीआई का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ही इफेक्टिव अरेंजमेंट किया गया था, उसके बावजूद अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो वह बताता है कि जो लॉ ब्रेकर की रणनीति जो सिस्टम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनसे बेहतर रही, इसीलिए क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। आपने देखा कि यूपीपीसीएस में भी कुछ इसी तरह का हुआ था। तो ऑनरेबल चेयरपर्सन ने यह बताया कि किस तरह से जो है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने यह कहा कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो कोड है वह अलग अलग रंग का होगा। ऐसा पॉसिबल है कि जो रंग का कोडिंग होता है कलर कोडिंग वुड बी डिफरेंट फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, प्लस जो क्वेश्चन पेपर है ओएमआर सीट है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाएगा प्लस उसको फिर से बीपीएससी के स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा, इन सारी चीजों में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा। नाउ
प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें जो है यह एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का इश्यू है, जिसमें स्टूडेंट के कंट्रोल में इसमें कुछ भी नहीं है। यह बेसिकली बीपीएससी को इंश्योर करना है, बिहार गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन रहे। वन मोर थिंग विच द ऑनरेबल चेयरपर्सन सेड इज कि परीक्षा बीपीएससी सिविल सर्विस की एक दिन ना होकर वह हो सकता है कि 3-4 दिनों में हो, और क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन पेपर एक ना प्रिंट होकर हो सकता है कि वह 3 प्रिंट हो सकता है वह 4 प्रिंट हो सकता है वह 5 प्रिंट हो। यानी कि कहने का यह मतलब है कि अब तक जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है कि एक ही सीटिंग में एग्जाम हुआ है, वह ना होकर मतलब एक से ज्यादा सीटिंग में एग्जाम होगा। इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4। नाउ इससे जो एक सबसे बड़ा जो डाउट और कंफ्यूजन यह क्रिएट हो रहा है कि जब क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे एक ही एग्जाम के, तो क्वेश्चन का जो टफनेस का लेवल है वह डिसाइड कैसे होगा। और उसके बारे में ऑनरेबल चेयरपर्सन ने यह बोला कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन इसको फॉलो किया जाएगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज फिल्ड विथ कंफ्यूजन एंड डाउट, क्योंकि अगर आप देखिए कि बीपीएससी से पहले बहुत सारे ऐसे स्टेट पीसीएस कमीशन थे जहां की यह जो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, इस कारण से बहुत डिस्प्यूट्स हुए हैं। नाउ रिसेंट एग्जांपल की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि 67 तक बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर रहता था, और जो ऑप्शनल पेपर रहता था आप जानते हैं कि इनका जो मार्किंग पैटर्न था वह बहुत वेरिएट करता था। कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके कि क्वेश्चंस इजी रहते थे, इफ आई मे पुट दिस वे, तो क्वेश्चंस इजी रहते थे, और कुछ ऐसे ऑप्शनल पेपर होते थे जिनके क्वेश्चंस टफ होते थे। तो जो बीपीएससी का पैटर्न था कि परसेंटाइल के माध्यम से या मॉडरेशन के माध्यम से या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सभी सब्जेक्ट में पैरिटी लाई जाए, तो इस प्रकार का ऑप्शन सब्जेक्ट में ऐसा कभी नहीं हो पाया। नाउ यूपीपीसीएस में भी आप देखिए और बीपीएससी में भी आप देखिए कि कभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में मॉडरेशन हो या परसेंटाइल हो या नॉर्मलाइजेशन हो, जैसे आप इसको देखें, कभी भी एक जो इक्वालिटी होता है यानी कि हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना, वह कभी नहीं हो पाया। और इसी कारण से यूपीपीसीएस में भी देखिए, बीपीएससी में देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अब इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया है ताकि यह डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। नाउ अगर आप परसेंटाइल और जो सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन को प्रीलिम्स में ले आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्यूट जो है यह इनेविटेबल है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट द एग्जांपल्स कि कभी भी पिक्चर क्लियर नहीं रहा है परसेंटाइल को किस तरह से कैलकुलेट करना है। हालांकि जो इससे पहले चेयरपर्सन थे श्री अतुल कुमार जी, उन्होंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन बहुत विवाद हुआ था जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन का जो टफनेस का लेवल, जो कि ऑब्वियस है कि अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन पेपर अगर पब्लिश होंगे तो क्वेश्चन के टफनेस का लेवल अलग अलग होगा, और जो परसेंटाइल का जो अरेंजमेंट है यह फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, तो एक आम स्टूडेंट यह जानना चाहेगा कि कट ऑफ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ऐसे देखें कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में सपोज मान लीजिए कि जनरल यूआर मेल का कट ऑफ 91.5 था। नाउ जो परसेंटाइल का इम्पैक्ट, एक पॉसिबल इम्पैक्ट यह हो सकता है कि जिनका अगर 88.5 मार्क्स रहेगा, अगर आप इसको 70th में मान के चलें, तो यह हो सकता है कि 88.5 आपने स्कोर किया हो तो आपके 3 मार्क्स बढ़ जाए और आपका 91.5 पहुंच जाए। तो जिनका 91.5 है, हो सकता है कि परसेंटाइल का कैलकुलेशन होने के बाद उनका 88.5 हो जाएगा। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, और यही वह ग्रे एरिया है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज व्हेन यू डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसर्टेन, क्योंकि आप यहां पर ऑब्जेक्टिविटी उस तरह से नहीं ला सकते हैं जैसा कि एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में होता है। नाउ अनक्लियर पिक्चर एज वी ऑल नो, इसका एक जो वे फॉरवर्ड यह हो सकता है कि सपोज मान लीजिए कि जनरल यू आर मेल का कट ऑफ 69th में अगर 91.5 था, तो अगर आपको परसेंटाइल के सिचुएशन में अगर कट ऑफ को क्लियर करना है तो
तो अगर आपने स्कोर किया है 91.5 तो यह बहुत ही रिस्की जोन है, यानी कि यह जो कट ऑफ आपने जो मार्क्स आपने अचीव किए होंगे यह बॉर्डर लाइन का एरिया है, यानी मार्क्स जो है यह बॉर्डर लाइन का है, बहुत ही रिस्की है। अगर परसेंटाइल आपके खिलाफ जाता है, अगर नॉर्मलाइजेशन आपके खिलाफ जाता है तो 91.5 आपका 88-87 में तब्दील हो सकता है। तो यहां पर जरूरी है कि आप सेफ प्ले करके अपने मार्क्स को 95 से 98 पर रखें, ताकि अगर परसेंटाइल होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है और इफ बाय चांस आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो कितना भी आपके मार्क्स कम होंगे आप 95 से कम होते हुए भी 91.5 से ऊपर रहेंगे और आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन न्यूट्रलाइज, यू कैन काउंटर द इश्यू ऑफ परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। हालांकि जहां तक विवाद की बात है तो आप जानते हैं कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सिस्टम के साथ चलना होगा, और अमूमन यह देखा गया है पिछले 2-3 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बीपीएससी का जो फैसला होता है उसे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारे नए परिवर्तन हुए हैं बीपीएससी के द्वारा और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। सो देयरफॉर चेयरपर्सन का जो ये स्टेटमेंट है चेंजेस को लेकर आप इसको डन माने, चूंकि जो टीआरई का एग्जाम होना है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड फाइनली जो 70th बीपीएससी है वहां पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जब कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी तो जो आपके स्कोर बॉर्डर लाइन वाले हैं वहां आप नहीं फंसेंगे। जो कट ऑफ है आपके आपके कैटेगरी का, जो अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ होता है, आप उससे कम से कम 5-6 नंबर आगे रहिए, ताकि परसेंटाइल में अगर आपके मार्क्स कम होते हैं देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू इजिली क्लियर द कट ऑफ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑनरेबल चेयरपर्सन, उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में यह कमेंट किया है कि जब तक रिजर्वेशन का जो इश्यू है वह क्लियर नहीं होता है तब तक एग्जाम के बारे में कोई कमेंट नहीं होगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1992 में एंड सब्सिक्वेंटली 2002 में, दैट इज इंदिरा साहनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन नो केस द कैप ऑन रिजर्वेशन शुड एक्सीड 50%। दिस वॉज दी ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन आया तो उसमें 10% को एड किया गया, सो 50+10%। बिहार गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई है उससे यह हुआ है कि 50% जो था वह 65% हो गया, और जो EWS का था वह 10% रहा, तो कुल मिलाकर यह 75% हो गया। नाउ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी और द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दिस वॉज चैलेंज्ड इन द पटना हाईकोर्ट, और पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी यह जो मुद्दा है यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई भी फैसला अभी नहीं लिया है, और चूंकि यह रिजर्वेशन का जो इश्यू है सब जुडिस है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी तब तक 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आती है। आपकी जानकारी में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन का लिस्ट होता है उसमें अनवांटेड छेड़छाड़, द गवर्नमेंट हैज नो राइट। कहने का मतलब कुछ ऐसे कास्ट जिनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में एड किया गया या उन्हें हटाया गया, तो यह जो है अननेसेसरी तरीके से नहीं होना चाहिए, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इट हैज हेल्ड द पोजीशन अगेंस्ट बिहार गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि अभी रिजर्वेशन को लेकर जो इश्यू है दिस इज अनक्लियर, वी डू नॉट नो वेदर द डिसीजन ऑफ द बिहार गवर्नमेंट वुड बी सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। और इसी बैकड्रॉप में आप देखिए कि जो 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी डिले हो सकती है। इट सीम्स हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन जो है यह अगस्त चला जाए, ऐसा पॉसिबल है, मिड अगस्त चला जाए। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि एग्जाम डेट क्या होगा। एग्जाम डेट देखिए, एक तो यह हो सकता है कि 30 सितंबर को ही हो, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम का नोटिफिकेशन मिड अगस्त में इन वर्स्ट केस अगर आता है
तो फॉर्म को फिल करने में टाइम नहीं लगता है, चूंकि ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, एक महीने में उसे फिनिश किया जा सकता है, 20 दिन में भी उसे फिनिश किया जा सकता है। तो एग्जाम डेट एक पॉसिबिलिटी है कि सितंबर 30 रहे, दूसरा हो सकता है कि यह अक्टूबर चला जाए, हो सकता है कि एक डेढ़ महीने का डिले हो। नाउ द पॉइंट इज कि एज अ स्टूडेंट आपको अभी यही लेकर चलना है कि सितंबर 30 will be the exam date, आप सितंबर 30 को ही एग्जाम डेट मान के चलिए। अगर आप इस माइंडसेट में हैं कि एग्जाम तो आगे बढ़ेगा, नाउ दैट वुड बी अ ब्लंडर ऑन योर पार्ट, आप कभी यह मान के नहीं चले, क्योंकि चेयरपर्सन सर ने कहीं भी यह हिंट नहीं दिया है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगले सप्ताह ही आ जाए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी सप्ताह आ जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, आप देखिएगा कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा अभी कितनी सीटें उनके द्वारा वैकेंट हैं, इसके बारे में बीपीएससी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसके पीछे जो इश्यू है वह रिजर्वेशन का ही इश्यू है, इसीलिए जो है अभी तक जो है इसके बारे में बीपीएससी को अलग अलग डिपार्टमेंट से सीटों की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं मिली है, ऐसा लग रहा है। बट एज ए स्टूडेंट आपके कंट्रोल में एकेडमिक एक्टिविटी है, आप सितंबर 30 को ही एग्जाम का डेट मान के चलिए और एग्जाम की तैयारी करिए। एज आई सेड इन द वीडियो कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का जो इश्यू है, इसमें आप एट द मैक्सिमम फिलहाल यह कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें कि जो भी कट ऑफ होगा, जो भी कट ऑफ होगा उससे आप कम से कम 4 से 5 मार्क्स आगे रहें, ताकि अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल से आपके मार्क्स कम होंगे, फिर भी 4-5 मार्क्स का जो एडिशनल बेनिफिट आपको रहेगा वह आपको प्रीलिम्स को में सफल होने में आपकी मदद करेगा। यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो मीटिंग शॉर्टली विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन 70th BPSC प्रीलिम्स। अंटिल देन गुड बाय।